तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट पे सेलर कैसे बन सकते हो। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हो, या फिर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है या आप स्टार्ट करने वाले हो तो आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे कैसे बेच सकते हो और लाखों रुपये कैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पे इस बीच में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, फिर उनका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट पे सेलर कैसे बन सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फ्लिपकार्ट पे सेलर बनने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा फ्लिपकार्ट सेलर बनने के लिए। अब सेलर बनने के लिए आपको चार चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहली चीज़, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। थर्ड, आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक में आपका करंट अकाउंट होना चाहिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। फोर्थ चीज़, आपके पास GST नंबर होना चाहिए। देखो, अगर आप बुक्स वगैरह बेचना चाहते हो तो उसके लिए GST नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आपको GST नंबर चाहिएगा। अब अगर आपके पास GST नंबर भी नहीं है तो वो आपको कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब सेलर बनने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करो फ्लिपकार्ट सेलर हब की, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या सिंपली आप गूगल पे जाके लिखोगे फ्लिपकार्ट सेलर, फर्स्ट में फ्लिपकार्ट सेलर की वेबसाइट आ जाएगी, आप उसके अंदर जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देख लेते हैं, सिंपल सा तरीका है। जैसे ही आप पेज ओपन करोगे, फर्स्ट में आपको अपना ईमेल एड्रेस, पहले मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा, फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, आपको एक पासवर्ड जो भी आप चूज कर लेंगे, कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख लेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आपका लिखा आएगा ऑल कैटेगरीज या आप ओनली बुक्स। अगर ओनली बुक्स सेल करना चाहते हो तो आपको जो है पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, GST नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा कुछ और चीज़ें बेचना है तो आपको GST नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप राइट में जाके देखो, आपको ऑप्शन मिलेगा डजंट हैव ए GST नंबर, उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा गवर्नमेंट पोर्टल का, आप चाहे तो वहाँ से जाके GST नंबर ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है GST नंबर लेने का, तो आप अपने आसपास में देखो कोई CA हो, या फिर आप किसी से पता कर लो कि GST नंबर आपको कहाँ से मिल पाएगा, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो। अब GST नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे GST नंबर डाल के रजिस्टर एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही रजिस्टर एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप स्टेप 2 पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है, नीचे आपको डिस्प्ले नेम, वहाँ पे भी आप अपना नेम डाल देंगे, और उसके नीचे आपको अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड आप लोग वही डालेंगे जो आपने GST नंबर में दिया हुआ है या जो आपके GST नंबर में। अब कंटिन्यू करने के बाद आपका लास्ट स्टेप आ जाएगा, जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगे, आपका नेम, जीमेल नंबर वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन लेफ्ट में आप लोग देखो, आपको लिखा दिखेगा योर ऑनबोर्डिंग कंप्लीशन स्टेटस, 60% कंप्लीट है, वो 70% है, कितना है। आपका मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन वो हो गया है तो उस पर ग्रीन टिक आ जाएगा। आईडी वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे साइन करना होगा, वो भी इसी पेज पे होगा। डिस्प्ले एंड पिकअप डिटेल्स जो कि आप ऑलरेडी डाल चुके हो, लेकिन इसके नीचे एक और भी ऑप्शन आता है, लिस्टिंग एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। अब देखो, यहाँ तक जो प्रोसेस है वो ईजी है, आप सेलर तो बन जाएंगे, लेकिन अब बारी आती है प्रोडक्ट की लिस्टिंग की, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है आप राइट साइड में देखेंगे इसी पेज पे, तो आपको रिक्वेस्ट ए कॉल बैक का ऑप्शन दिख रहा होगा फ्लिपकार्ट से। नहीं दिख रहा है तो इसी पेज पे आपको हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्लिपकार्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्लिपकार्ट से कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको क्या बोलना है कि आपको आपके प्रोडक्ट लिस्ट कराने में फ्लिपकार्ट से हेल्प चाहिए। तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा कि आपने जो पिन कोड दिया है उसी एरिया में जो फ्लिपकार्ट के कैटलॉग पार्टनर होंगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देगा, या उनका आपसे कॉन्टैक्ट करवा देगा। अब ये कैटलॉग पार्टनर क्या करेंगे, ये जो कैटलॉग पार्टनर हैं आपके प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी इमेजेस और अच्छा सा डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। जब आप इनके पास चले जाएंगे कि भाई हमको अपने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कराने हैं, तो ये आपसे कुछ पैसे लेंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट की अच्छी इमेजेस और अच्छा सा डिस्क्रिप्शन आपको देंगे, यानी कि आपके प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्ट करवा देंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो बेनिफिट ये होगा, जब भी कोई यूज़र फ्लिपकार्ट पे जाके आपके प्रोडक्ट को देखेगा तो उसको अच्छे इमेज दिखेंगे और अच्छा डिस्क्रिप्शन दिखेगा, तो उसको अच्छे से समझ में आएगा कि इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है या उसके बारे में सारी डिटेल्स उसको अच्छे से अगर समझ आएंगी तो वहाँ पे चांस है कि आपकी जो सेल्स हैं वो बढ़ेगी। हालांकि यह काम आप जो है वो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हीं की हेल्प लेके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवाओ और उनके बदले वो आपसे कुछ पैसे लेंगे तो वो आप दे सकते हो। स्टार्टिंग में आप ये चीज़ उनकी हेल्प लेके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवाओगे, बाद में अगर आपको लगता है धीरे धीरे कि अब तो ये काम मैं खुद से कर सकता हूँ तो बाद में आप खुद भी कर सकते हो।
अब प्रोडक्ट तो आप लोग लिस्ट करा दोगे उनकी हेल्प से, अब बारी आती है प्राइसिंग की कि भाई प्राइस क्या होगी, प्राइस कौन रखता है। देखो प्राइस डिसाइड करता है सेलर, अब सेलर आप बनने वाले हो तो प्राइस आप डिसाइड करोगे, फ्लिपकार्ट डिसाइड नहीं करेगा। अब प्राइस आपको अपने प्रोडक्ट की कितनी रखनी है, देखो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जो फ्लिपकार्ट है ऑनलाइन शॉपिंग है वो मेनली डिस्काउंट के लिए जानी जाती है, तो आप प्राइस थोड़ा कम रखें। ऐसे में होता क्या है कि आप क्वांटिटी ज़्यादा बेच देंगे, थोड़ा प्राइस पे अगर आपको मार्जिन कम भी मिलेगा तो अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बेच देंगे तो आपका वो बैलेंस हो जाएगा। अब आपको फ्लिपकार्ट जो है वो कितना कमीशन लेगा या कितने क्या क्या चार्जेस होंगे वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसका कितना चार्ज होगा। पॉज करके आप आराम से देख सकते हो कि आपको आइडिया लग जाएगा कि अपने प्रोडक्ट की आपको कितनी प्राइसिंग रखनी है और उसमें फिर फ्लिपकार्ट वगैरह का कमीशन क्या होगा। अब प्रोडक्ट लिस्ट करा लिया, प्राइसिंग भी आपने रख दी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो आपके पास आएंगे ऑर्डर्स। अब ऑर्डर आएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट है वो पैक करके तैयार रखना होगा। अब पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से आएगा, देखो जब फ्लिपकार्ट से आप कॉन्टैक्ट करोगे तो वो लोग आपको ये भी बता देंगे कि आपको जो पैकेजिंग मटेरियल है वो कहाँ से लेना है, तो पैकेजिंग मटेरियल जो है वो आपका होने वाला है। तो ऑर्डर आने के बाद आप प्रोडक्ट को पैक करके रेडी रखेंगे, फिर क्या होगा कि फ्लिपकार्ट के जो लॉजिस्टिक पार्टनर है वो है ई कार्ट से बंदा आएगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपसे लेके चला जाएगा और जिसने भी वो मंगवाया है उसको डिलीवर वहाँ पे कर देगा। उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास जो पैसे हैं, जो आपने प्रोडक्ट बेचा है उसके पैसे आपको कब मिलेंगे, देखो वो आपके अकाउंट में आएंगे जो कि आपने सेलर रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे फ्लिपकार्ट को दिया था। अब आपके अकाउंट में आएंगे 7 से 10 दिन बाद, क्योंकि कुछ आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स की जो है वो रिटर्न या रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है 7 दिन 10 दिन, तो उसके बाद ही जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आएंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि अगर प्रोडक्ट रिटर्न हो गया तो उसके तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने प्रोडक्ट भेजा, अगर वो किसी ने वो रिटर्न कर दिया या कैंसिल कर दिया, बाद में आपके पास प्रोडक्ट आया वो टूट रहा है या मिसिंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो बायर होता है वो प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देता है, मतलब जो आपने प्रोडक्ट भेजा था वो तो उसने रख लिया, उसकी जगह पे कोई और प्रोडक्ट रख के फ्लिपकार्ट को वापस दे दिया। अब वो प्रोडक्ट जब आपके पास आ जाएगा तो क्या आपका फिर उसमें लॉस होगा, तो फ्लिपकार्ट का यहाँ पे ना एक SPF फंड है, सेलर प्रोटेक्शन फंड। अगर ऐसा कभी आपके साथ में हो जाता है कुछ फ्रॉड वगैरह, या किसी ने आपका जो प्रोडक्ट है वो रिप्लेस कर दिया, या फिर लॉजिस्टिक पार्टनर की वजह से आपका प्रोडक्ट डैमेज वगैरह हो गया, तो उसके लिए आप SPF फंड में क्लेम कर सकते हो। जो फ्लिपकार्ट का सेलर प्रोटेक्शन फंड है ना उसमें आप क्लेम कर सकते हो, अगर किसी ने फ्रॉड करा है, प्रोडक्ट चेंज कर दिया, मतलब आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट निकाल के दूसरा कोई रख दिया, ऐसे में आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ मतलब कि जो आपका वेयर हाउस है वहां पे कोई CCTV कैमरा वगैरह है, पैकेजिंग के टाइम पे आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है जिससे कि आप ये बता पाएं कि आपने ओरिजिनल ही प्रोडक्ट भेजा था, दूसरी तरफ से आपके साथ में जो फ्रॉड वगैरह है वो हुआ है। तो ऐसे में आपको फ्लिपकार्ट सेलर प्रोटेक्शन फंड से आपके जो पैसे हैं जितने का आपका प्रोडक्ट था वो आपके अकाउंट में बाद में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो फ्लिपकार्ट पे सेलर अगर आप बनते हो तो ये कुछ सवाल आपके मन में हैं या ये कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अब इनके सॉल्यूशन क्या है वो मैंने आपको बता दिए। तो सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट कैसे कराना है, उसमें फ्लिपकार्ट की हेल्प ले लेनी है, उसके बाद आपको पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा वो भी बता दी, फिर उसके बाद प्राइसिंग भी आपको खुद रखनी है, जब आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट है वो पैक करके दे देना है, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास डैमेज वापस आता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कोई रिप्लेस कर देता है तो आपको आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपको सेलर प्रोटेक्शन फंड की तरफ से आपको पूरा रिफंड भी मिल जाएगा। तो ये है सारी चीज़ें, फ्लिपकार्ट सेलर आप इस तरीके से बन सकते हैं और इस तरीके से आप लोग फ्लिपकार्ट पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अब डिपेंड ये करता है कि आप जो फ्लिपकार्ट पे है कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हो। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी पूरे साल डिमांड रहती है, अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपकी लाखों में सेल्स हो सकती है। अदरवाइज ऐसे भी लोग हैं जिनकी बहुत कम सेल भी है, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके प्रोडक्ट बेचते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।